अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 6 हीट ट्रांसफर पेज 97। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर हीट। वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर कंपोज्ड होता है टाइनी पार्टिकल्स जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली इन नेचर, और उसमें वो सारा प्रॉपर्टीज़ होता है जो मैटर में होता है, यानी कि मैटर का सारा प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज़ रहता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पे ऑन वन अनदर, और वो हमेशा रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है। When the object is heated, the molecules move faster, kinetic energy increases. जब object को heat करेंगे तो molecules fast move करेगा और kinetic energy increase करेगा। Object को जब cool करेंगे तो molecules slowly move करेगा और kinetic energy decrease करेगा। तो sum of total kinetic energy and total potential energy of all the molecules is equal to the total internal energy. यानी कि total internal energy हम लोग का क्या है, पूरा total kinetic energy plus the total potential energy. Now the next part is a hot object possesses more internal energy. यानी कि एक hot object का internal energy ज़्यादा होता है as compared to the cold object. When an hot object comes in contact with a cold object, जब एक hot object को और cold object को एक दूसरे के contact में लाएंगे तो internal energy hot object का decrease होगा और cold object का increase होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस कोल्ड। ओके, यानी कि क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट कम हॉट हो जाएगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट कम कोल्ड हो जाएगा। इसी को ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को बोलते हैं, फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर। ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड इज़ नाइदर कंटेंड और स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हीट एनर्जी ना ही कंटेंट होता है और ना ही स्टोर्ड होता है ऑब्जेक्ट में। तो हीट रिफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट इज़ नथिंग बट द थर्मल एनर्जी, और हीट एनर्जी को मेजर करेंगे हम लोग जूल में। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पर रहता है तो उसको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, हीट फ्लोज करेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसका हायर टेम्परेचर है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर। यानी कि ऑब्जेक्ट जिसका हायर टेम्परेचर होगा, द एनर्जी द हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। फॉर दिस यू कैन रिफर फिगर 6.1, फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज हीट। तो इसमें देखिए, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर। As I have said earlier, तो for this you can refer figure 6.1. This will be easier for you to understand. अब यहाँ पर देखिए, जब कोई ही फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यानी कि एवरेज थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट ए का किसके बराबर हो जाएगा, थर्मल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी के। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर। यानी कि टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का है वो एक्चुअल में है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि टेम्परेचर इज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट, इफेक्ट्स दीज आर द थ्री इफेक्ट्स ऑफ द हीट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होगा हीट के इफेक्ट से, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि इट विल द स्टेट विल बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और थर्ड वन इज डायमेंशन चेंज होगा। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस का ये डायग्राम है, ये अपने कॉपी में आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, और दिस फिगर 6.2 ऑल्सो, द होल फिगर 6.2 ऑल्सो यू विल कॉपी इन योर कॉपी। सो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम।